दोस्तों, अगर आप भी अपने फ्री फायर गेम के अंदर डबल फायर बटन को ऑन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप भी अपने फ्री फायर गेम के अंदर डबल फायर बटन को ऑन कर सकते हैं, और बहुत ही आसान तरीका, और जिसको आपको जो है एक मिनट के अंदर ही बता दूंगा। तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर देखिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे भी कोई चैनल पर जो है इसी प्रकार की सेटिंग्स से रिलेटेड वीडियोज हमेशा मिलती रहती है। ओके, अब चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जो है सेटिंग में जाना है फ्री फायर के। उसके बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन कंट्रोल्स का। इस पर आने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक ऑप्शन लेफ्ट फायर बटन शूटिंग में। यहाँ पर आप लोग दो नंबर पर देख सकते हैं लेफ्ट फायर बटन। इसमें आपको दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, ऑलवेज और सो व्हेन स्कोपेड। तो दोस्तों, अगर आप इसको ऑलवेज रखते हैं तो होगा क्या, आप कोई भी अगर गन को लेंगे, चाहे वो शॉर्ट गन हो या Kar-98 हो, कोई सा भी गन हो, अगर आप उसको लेंगे तो आपके फ्री फायर गेम के अंदर जो है हमेशा डबल फायर बटन जो है इनेबल ही रहेगा, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। वहीं पर अगर आप व्हेन स्कोपेड करेंगे तो होगा क्या, जब भी आप कोई स्कोप वाली गन को लेंगे और जब आप स्कोप को ऑन करेंगे तभी आपको जो है दोनों बटन देखने को मिलेंगे। अगर आप स्कोप को बंद कर देंगे तो यहाँ पर आपको डबल बटन देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन जस्ट आप स्कोप को ऑन करेंगे तो यहाँ पर आपको जो है दोनों बटन देखने को मिल जाएगा। तो आपको जो है ऑलवेज टाइम इसको यस ही रखना है, यानी ऑलवेज ही रखना है। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोग सब कुछ समझ गए होंगे। इस वीडियो में मैंने आपको बहुत ही आसानी से बता दिया है। चलिए यार, मिलता हूँ उससे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगे कमेंट बॉक्स के माध्यम से। ओके, मिलता हूँ उससे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद एंड वंदे मातरम।